धर्म परिवर्तन कांड में यूपी एटीएस के हाथ एक और बड़ी कड़ी लगी है। धर्मांतरण के इन साजिशों में बाल और महिला कल्याण विभाग का एक अधिकारी शामिल पाया गया है, जो धर्मांतरण करने वालों की मदद करता था। इतना ही नहीं, कतर से फंडिंग के कई सबूत भी एटीएस के हाथ लगे हैं। इसके साथ ही एक संगठन की भी जानकारी मिली है, जिसके प्रमुख को धर्म परिवर्तन का खलीफा माना जाता है। देखिए, जामिया से कतर तक अधर्मी कनेक्शन। इस्लामी दावा सेंटर धर्मांतरण का अड्डा। उमर गौतम धर्मांतरण का माहिर खिलाड़ी। ये इलाका दिल्ली का वही जामिया नगर है जहां से यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए धर्म परिवर्तन के तथा कथित ठेकेदार उमर गौतम और जहांगीर आलम गिरफ्तार किए गए। ये वही इलाका है जहां ये दोनों इस्लामी दावा सेंटर चलाते थे, जो कि धर्मांतरण का एक बड़ा अड्डा साबित हुआ। निशाने पर रहते थे मासूम और लाचार। धर्म के नाम पर मासूमों का करता था ब्रेन वॉश। दिल्ली का जामिया नगर इलाका कई बार सुर्खियों में रहा, लेकिन इस बार यूपी एटीएस ने जिस साजिश से पर्दा उठाया, उससे कई साजिशों के तार जुड़े हो सकते हैं। जामिया नगर में बने इस्लामिक दावा सेंटर धर्मांतरण का बड़ा अड्डा बनकर सामने आया है। इसे उमर गौतम और जहांगीर आलम संचालित कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां रहने वाले लोग इनकी हरकतों के बारे में नहीं जानते थे। मोहम्मद उमर गौतम पर धर्मांतरण के आरोपों के बाद जब इलाके के लोगों से बात की गई, तो उन्होंने दोनों के बारे में खास जानकारी न होने की बात कह दी। उत्तर प्रदेश में कल जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर एक बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा की गई, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर बात करें तो जहांगीर कासमी और इसके अलावा मोहम्मद उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही इस जामिया नगर थाने के बटला हाउस के रहने वाले हैं। अगर बात करें तो उमर गौतम का जो एड्रेस है, मोहम्मद उमर गौतम का, वो K47 जामिया नगर के बटला हाउस में है। और यहाँ पर जिस तरीके से पिछले कई सालों से रह रहा था, उसके जो आसपास के लोग हैं ये बताते हैं कि इस तरीके की वो गतिविधियाँ यहाँ पे तो नहीं करता था। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पे किसी तरीके के धर्मांतरण की फिलहाल सूचना नहीं आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जानकारी एकत्रित की जा रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा भी और दिल्ली पुलिस भी लगातार उत्तर प्रदेश एटीएस से संपर्क कर रही है कि जिससे कि आगे की इंटेल मिल सके और फिर जो कार्रवाई हो उसको की जा सके। देश में धर्मांतरण की साजिशों को लेकर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कभी इतने बड़े स्तर पर साजिशों का खुलासा नहीं हुआ। अब यूपी पुलिस की गिरफ्त में आए मोहम्मद उमर गौतम से कई अहम जानकारियां जुटाई जा रही। दरअसल मोहम्मद उमर गौतम एक चर्चित इस्लामी प्रचारक है, धर्म प्रचार के लिए कई देशों की यात्राएं कर चुका है। इंटरनेट पर भी धर्म प्रचार से जुड़े कई वीडियो मौजूद हैं। 1984 में हिंदू से धर्म परिवर्तित कर ये मुसलमान बना था। फतेहपुर का रहने वाला है उमर गौतम और इसका पहले नाम श्याम प्रताप सिंह था। धीरे धीरे इस्लाम धर्म का बड़ा प्रचारक और धर्मांतरण का बड़ा खिलाड़ी बन गया। हर महीने करीब 10 से 15 लोगों का धर्म परिवर्तन कराता है। धर्म परिवर्तन कर हिंदू से मुसलमान बना उमर गौतम मूल रूप से यूपी के फतेहपुर जिले के थरियाओं थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसका पहले नाम श्याम प्रताप सिंह था। 1982 में शादी भी की। इसके बाद ये एक मुस्लिम के संपर्क में आया और धर्म बदल लिया, जिससे इसका परिवार नाराज रहने लगा और फिर इसने घर ही छोड़ दिया और दिल्ली पहुंच गया। उमर के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए फतेहपुर पुलिस उसके भाइयों से भी पूछताछ कर रही। वही 78 79 से यहाँ चले गए, यहाँ पढ़ता रहे,
और पढ़े के बाद फिर चले गए हुआ नैनीताल पंत नगर, तो कौनो एग्रीकल्चर कॉलेज रहा वहीं पढ़ाता रहे, वहीं से अपन इनके आ जाऊँ भी लगाओ हो गया हो, तो फिर वहीं से इनके आ सब धर्म परिवर्तन हो गया। कभी ये गांव आए हैं इधर? नहीं आवे थे कतो, जैसे साल दो साल में फतेह फतेहपुर आए तो कहो 10 मिनट कहे हूँ गाँव में सबसे मिले चले हम तो वापस हो गया। वही दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी होने के बाद दिल्ली पुलिस भी लगातार यूपी से इनपुट ले रही और जानने की कोशिश कर रही कि ये लोग धर्मांतरण के लिए कैसी प्रक्रिया अपनाते थे। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एटीएस के रडार पर आ चुकी नोएडा की डेफ सोसाइटी के 2 कर्मचारी भी धर्म परिवर्तन के इस गंदे खेल में शामिल बताए जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्मांतरण के माहिर खिलाड़ी उमर गौतम तक बच्चों की इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे। सोसाइटी पर निशाने की थी खास वजह, मूक बधिर बच्चों के पीछे था खास मकसद। नोएडा की यही वो डीप सोसाइटी है जिसके बच्चों को धर्मांतरण का माहिर खिलाड़ी मोहम्मद उमर गौतम ने निशाना बना रखा था। इस सोसाइटी से जुड़े लोगों को जब पता चला कि यहाँ धर्म परिवर्तन की साजिश को अंजाम दिया गया तो लोग सोसाइटी के गेट पर पहुंच गए और विरोध करने लगे। हालांकि पहले से वहां मौजूद पुलिस की वजह से उनका प्रदर्शन नहीं हो सका और पुलिस ने हंगामा करने पहुंचे लोगों को प्रदर्शन से पहले ही अपनी हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने दिल्ली से एक ऐसे गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो भारी पैमाने पर मूक बधिर बच्चों को धर्मांतरण कराते थे। एसटीएफ की पूछताछ में ये पता चला है कि नोएडा के डेफ सोसाइटी के भी 2 बच्चे इस धर्मांतरण में शामिल थे, एक कानपुर का था और दूसरा गुरुग्राम का। यही वजह है कि अब एसटीएफ पूरे मामले की जांच कर रही है, सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है, उसकी जांच की जा रही है और एसटीएफ का कहना है कि जांच में जो चीजें निकल के आएंगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक की जांच में एटीएस के पास 2 बच्चों की जानकारी मिली है जिनका उमर गौतम और जहांगीर आलम ने धर्म परिवर्तन कराया है। इनमें से एक कानपुर का रहने वाला है जिसके पिता ने कानपुर के कल्याणपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। दरअसल एटीएस को अंदेशा है कि धर्मांतरण की साजिश करने वालों का मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाने के पीछे एक खास मकसद रहा है, क्योंकि मूक बधिर बच्चे किसी को भी अपनी बात कह पाने में पूरी तरह सक्षम नहीं होते और यही इनकी साजिश का अहम हथियार रहा होगा। रूमा रोका नाम की महिला चलाती है सोसाइटी, 10 सालों से मूक बधिरों के लिए कर रही है काम। एटीएस की जांच में यह भी सामने आया कि नोएडा के जिस डीफ सोसाइटी के बच्चों को निशाना बनाया गया उस सोसाइटी का संचालन रूमा रोका नाम की महिला कर रही है। नोएडा में रूमा रोका को समाज सेविका के तौर पर पहचाना जाता है जो पिछले 10 सालों से मूक बधिर बच्चों के लिए काम कर रही है। 2018 में नोएडा में डीफ सोसाइटी का स्कूल बना। नोएडा के सेक्टर 117 में बनाया गया स्पेशल बच्चों का ये स्कूल। इस स्कूल का लक्ष्य है कि मूक बधिर बच्चों को यहां पर शिक्षित किया जाए। रूमा रोका नाम की महिला इसका संचालन करती है। 10 साल से मूक बधिर बच्चों के लिए वो काम कर रही है। कानपुर के अलावा दूसरे जिस बच्चे का धर्म परिवर्तन कराया गया वो गुड़गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। बच्चों को धर्म परिवर्तन की साजिश में खींचने के पीछे एटीएस को बड़ी साजिश का शक है जिसकी जांच लगातार जारी है। यही वजह है कि एटीएस के रडार पर अब मूक बधिर बच्चों का यह स्कूल भी है। सोसाइटी के 2 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध, एटीएस के रडार पर है डीप सोसाइटी। अभी तक की जांच में डीप सोसाइटी से जुड़े 2 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई जिन्हें एटीएस ने हिरासत में लिया है। आरोप है कि सोसाइटी के यही 2 संदिग्ध कर्मचारी बच्चों के बैकग्राउंड की जानकारी धर्म परिवर्तन कराने वाले उमर गौतम और जहांगीर आलम तक पहुंचाते थे, जिसके बाद दोनों माहिर खिलाड़ी उन बच्चों को अपनी बातों में फंसाते थे और उनका धर्म के प्रति ब्रेन वॉश किया जाता था। फिलहाल नोएडा पुलिस पूरे मामले की जांच कर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है।
ताकि पुख्ता सबूत के साथ संदिग्धों पर कानून का शिकंजा कसा जा सके। नोएडा से बलराम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक तरफ एटीएस धर्म परिवर्तन की साजिशों की जड़ों तक पहुंचने के लिए एक एक कड़ी को जोड़कर आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दासना देवी मंदिर कांड में गिरफ्तार उमर गौतम के बीच की कड़ी रहे सलीमुद्दीन की जेल से रिहाई हो गई। धर्मांतरण चेन की अहम कड़ी की हुई रिहाई। रात के अंधेरे में गाजियाबाद की जेल से बाहर निकलते लोगों में एक शख्स वो भी है जो यूपी में धर्मांतरण की साजिशों की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा। इस शख्स का नाम है सलीमुद्दीन, जिसे दासना देवी मंदिर में घुसे दो संदिग्धों के मामले में जेल भेजा गया था। सलीमुद्दीन को मिली जेल से रिहाई। दासना मंदिर कांड में गया था जेल। 3 जून को गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर में घुसे दो संदिग्ध कासिफ और विपुल विजय वर्गी उर्फ रमजान की गिरफ्तारी और सोमवार को यूपी में धर्मांतरण की साजिशों का पर्दाफाश होने के बीच अहम कड़ियां जुड़ी हैं। इनके बीच की सबसे अहम कड़ी सलीमुद्दीन को माना जा रहा, जिस पर दासना देवी मंदिर में दो संदिग्धों को पहुंचाने का आरोप है। दोनों संदिग्धों के बैग से सर्जिकल ब्लेड, वैक्यूम थेरेपी में काम आने वाली मशीन, धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथ बरामद हुए थे। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने उन पर अपनी हत्या के लिए आने का आरोप लगाया था। एक तरफ यूपी एसटीएफ धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन ले रही है, काफी तेजी से उन पर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ दासना देवी मंदिर और जामिया के बीच में रही अहम कड़ी सलाउद्दीन को कोर्ट ने जमानत दे दी है। सलाउद्दीन वह शख्स है जिसने दासना देवी मंदिर में घुसने वाले विजय वर्गीय का धर्म परिवर्तन कराया था और बाद में अपने गुर्गे की बहन से उसकी शादी करा दी थी। दरअसल 2 जून को दासना देवी मंदिर में दो संदिग्ध घुसे थे, कासिफ और विपुल विजय वर्गी उर्फ रमजान की गिरफ्तारी हुई थी। सलीमुद्दीन पर दोनों को मंदिर में भेजने के आरोप थे। सलीमुद्दीन ने ही विपुल का धर्म परिवर्तन कराया था। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हत्या का आरोप लगाया था। जेल से बाहर आने के बाद सलीमुद्दीन ने कासिफ और विपुल विजय वर्गी उर्फ रमजान से अपने संबंधों को नकार दिया, बल्कि उसका कहना है कि उसने दोनों को महंत से मिलने से रोका था। उसने जो है यहाँ पर मेरे से स्वामी यति नरसिंह साहब से मुलाकात की बात की थी, मैंने उसको रोका था कि वहाँ मत जाइए, ऐसे जरा हालात हैं। तो उसने कहा कि इस तरह के हालात में तो हमें बातचीत के जरिए से जो गलत फहमियाँ उसको जो है दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। धर्म परिवर्तन को लेकर हुए खुलासे के बाद प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और धर्म परिवर्तन की साजिशों को अंजाम देने वालों को बेनकाब करने के लिए टीमों का गठन किया है। इसके साथ ही सीएम ने धर्म परिवर्तन के आरोपियों के खिलाफ एनएसए और कुर्की की कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए। धर्म परिवर्तन को लेकर यूपी एटीएस के बड़े खुलासे के बाद प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है। सीएम योगी ने धर्मांतरण करने वालों की जड़ें खोदने के लिए कई टीमें लगा दी हैं जो इस साजिश की तह तक पहुंचेंगी। इसके अलावा सीएम योगी ने धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। ऐसे लोगों की संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी। दासना देवी मंदिर से पकड़े गए दोनों संदिग्धों के रिहा होने के बाद उनका गुरु सलीमुद्दीन भी अब रिहा हो चुका है, जबकि विपुल विजय वर्गी का मेंटर सलीमुद्दीन ही है। और सलीमुद्दीन की वजह से ही एटीएस धर्मांतरण के बड़े खिलाड़ी उमर गौतम और जहांगीर आलम तक पहुंच सकी है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ गाजियाबाद से शक्ति सिंह, एबीपी गंगा। कानपुर पुलिस ने नशे के कारोबार करने वालों की एक बड़ी चेन को ब्रेक किया है। नशे के सौदागरों की ये पूरी चेन कोर्ट वर्ड पर चलती थी, लेकिन ये अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जो पैतरा अपनाते थे वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। आइए देखते हैं क्या है नशेड़ी गैंग की चॉकलेट चाल। नशेड़ी
नशीली दवा बेचने वालों की कोड लैंग्वेज, चॉकलेट बिस्किट कंपनियों के नाम कोड वर्ड। एसपी ऑफिस के बाहर रखा गत्तों का यह जखीरा असल में नशे का वो सामान है जिसे नौजवानों को बड़ी तादाद में सप्लाई किया जा रहा था। नशे का धंधा करने वालों ने पुलिस की नजर से बचने के लिए बाकायदा कोड लैंग्वेज बना रखी थी जिसमें कई चॉकलेट कंपनियों और बिस्किट कंपनियों के नाम शामिल हैं। नाइट्रावेट एक शेड्यूल एच ड्रग है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दी जाती है, लेकिन इसका जो अल्टरनेटिव यूज होता है वो नशे में होता है, तो नशे के लिए इसका लोग उपयोग करते हैं। ये दोनों इस नशीली दवाई का भी सप्लाई कर रहे थे। दूसरी जो इनसे मेडिसिन मिली वो जिफी 200 मिली, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और ये जो दवाई थी ये जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि एक नकली दवाई है। युवाओं को नशे की ओर धकेल रहे शातिर, पुलिस से बचने के लिए कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल। कानपुर पुलिस ने लोगों की जान से खिलवाड़ कर नकली दवा का कारोबार करने वालों का भंडाफोड़ किया है। इनके पास करीब 50 लाख रुपए कीमत की भारी मात्रा में नकली और नशीली दवाओं को बरामद किया गया है। गैंग के तार राजधानी लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और बहराइच समेत कई जिलों से जुड़े हैं। क्राइम ब्रांच ने गुड्डू और मुन्ना नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से पुलिस को भारी मात्रा में नाइट्रावेट और जिफी 200 की गोलियां बरामद हुई हैं। दवाओं के काले कारोबार का खुलासा किया है। यह गोरख धंधा राजधानी लखनऊ से चल रहा था और राजधानी लखनऊ से कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बहराइच जैसे तमाम जनपदों में यह नकली नशीली दवाएं पहुंचाई जाती थीं। कानपुर में दो लोगों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा था जिन्होंने पूछताछ में ये बताया था कि बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में इन दवाइयों का बसों के ज़रिए इधर उधर भेजा जाता है और कंडक्टर और बस के जो ड्राइवर होते हैं उनको कुछ पैसे दे करके इन बसों में दवाइयों को रख दिया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाया जाता है। दरअसल क्राइम ब्रांच एक इनपुट के जरिए नशे के कारोबार करने वालों तक पहुंच सकी जिसमें लखनऊ के अमीनाबाद से बड़े पैमाने पर इंजेक्शन की सप्लाई की जानकारी थी। इस इनपुट पर जब क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की तो मामला नकली दवाओं से लेकर नशे के काले कारोबार से जुड़ा मिला। इंजेक्शन के नाम पर खड़िया और पानी, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ वाली शैतानी। नकली दवाओं को खपाने का इनका तरीका भी अलग था। ये लोग केवल उन दवाओं की ही नकली दवाएं बनाते थे जिनकी मार्केट में डिमांड चल रही होती थी, जिसकी वजह से इनकी नकली दवाएं आसानी से मार्केट में खप जाती थी। ये जो ज़्यादातर बातें करते थे आपस में, ये कोडवर्ड में करते थे। जो भी दवाई जैसे मंगवानी होती है तो उसके लिए किसी बिस्किट का नाम, जैसे पार्ले जी का नाम रख दिया, चॉकलेट कैडबरी के नाम से भी कई दवाइयों का ये नाम लेते थे। तो इन्होंने फिक्स एक नकली दवाई का कोडवर्ड बना रखा था और जब ये बातचीत करते थे तो उसी कोडवर्ड में ही वो चीज़ें मंगवाते थे। दवाई की सप्लाई के लिए रोडवेज बसों का इस्तेमाल। रोडवेज बसों में चेकिंग के चांस कम होते हैं। रोडवेज बसों की नंबर प्लेट की फोटो होती थी टोकन। पुलिस से बचने के लिए कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। कैडबरी और पार्ले जी जैसे नामों का ये इस्तेमाल करते थे। पुलिस के अधिकारी जल्द ही पूरे इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी करने का दावा कर रहे हैं। नकली और नशीली दवाओं के इस भंडाफोड़ से एक बात तो तय है कि आने वाले दिनों में इस गिरोह से जुड़े कई बड़े चेहरे भी बेनकाब हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस का दावा है कि इनकी चेन बहुत लंबी है। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा।